जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है CSAT प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग UPPCS प्री 2024 के लिए CSAT हिंदी के विलोम शब्द की एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। विलोम शब्दों की ये चौथी क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियोस में कुछ विलोम शब्दों का डिस्कशन कर रखा है। आपने अगर उन्हें नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट PCS एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। इससे पहले कुछ ज़रूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं PCS के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा दोस्तों। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकते हैं। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द आप ऑफर का लाभ लीजिए। चलिए अब देखते हैं अपने कुछ प्रमुख विलोम शब्दों को। यहाँ पर दिया प्रीति, प्रीति का विलोम शब्द होता है द्वेष। प्रेरित, इसका विलोम होता है अप्रेरित। प्रौढ़ता, इसका विलोम है अप्रौढ़ता। फायदा का विपरीत होता है नुकसान। बंधन का विपरीत होता है मुक्ति या मोक्ष। बढ़िया, इसका विपरीत हो जाएगा घटिया। बनाना, इसका होता है मिटना, तो यहाँ पे बनना है मिटना, बिगड़ना या फिर टूटना। बहिरंग, इसका विलोम होता है अंतरंग। बाधक, इसका विलोम हो जाएगा अबाधक। बार बार, इसका विलोम होगा कभी कभी। बीमार का उल्टा होता है चंगा या फिर तंदुरुस्त। वृहद, इसका उल्टा होगा लघु। बेदम, बेदम का उल्टा हो जाएगा दमदार। बेदम मतलब जिसमें दम नहीं है। बोध का उल्टा होता है अबोध। भंजनीय, अभंजनीय। भग्न, अभग्न या फिर साबुत। भय का उल्टा होता है साहस। भला का विलोम होगा बुरा। ऋणात्मक का विलोम होता है धनात्मक। एकांकी का विलोम होता है सर्वांगीण या फिर अनेकांकी। एकाधिकार सर्वाधिकार होता है। एकनिष्ठ सर्वनिष्ठ। इंद्री इंद्र हो जाएगा। ओछा का विलोम होता है गंभीर। औरत का विलोम होता है आदमी। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर और शब्द दिया, प्रेम का विलोम हो जाएगा घृणा। प्रोत्साहित हतोत्साहित। फलाहारी अनाजी। फूल का उल्टा होता है कांटा। बड़बड़िया का उल्टा होता है गुमसुम। बद्ध का उल्टा होता है अबद्ध या फिर मुक्त। बर्बर, इसका विलोम हो जाएगा सभ्य। बहुधा यदा कदा। बाधित अबाधित। बाहर का अंदर या फिर भीतर लिखा जाता है। बुद्धिमान का विलोम हो जाएगा बुद्धिहीन या निबुद्धि। बेचना, इसका विलोम होता है खरीदना। बेमेल, इसका विलोम हो जाएगा संगत। ब्याह अनब्याह या फिर इसे कुंवारा भी कहते हैं। भक्त का विपरीत होता है अभक्त। भद्र का अभद्र। भयभीत, इसका होगा निर्भय। अभय निडर या फिर निर्भीक। भलाई का विपरीत हो जाएगा बुराई। ऋण का धन। एकाकी दुकेला। एकश्रुत बहुश्रुत। एड़ी का विलोम होता है चोटी। ओजस्वी का निस्तेज, ये कई बार पेपर में बना इसे याद रखिएगा। ओह का वाह। औरस दत्तक। औरस का मतलब यहाँ पे अपना पुत्र होता है, दत्तक का मतलब गोद लिया हुआ पुत्र। यहाँ पर दिया प्रेम भाव, इसका विपरीत है दुर्भाव। प्रौढ़ अप्रौढ़। फलित अफलित। फैलाना का सिकुड़ना। यहाँ पर बढ़ना दिया, बढ़ना का विपरीत है घटना। बलवान का दुर्बल। बलहीन या फिर निर्बल। बद्ध का अबद्ध। बाढ़ का विपरीत है सूखा। बाध्य अबाध्य। बाह्य आभ्यंतर। बुरा का विलोम होता है भला। बेडौल सुडौल। बोधगम्य अबोधगम या फिर इसको गुड़ या फिर इसे दुरु कहते हैं। भंगुर का उल्टा होता है अभंगुर। भच्छ अभच्छ। भद्रता अभद्रता। भरा, इसका उल्टा होगा खाली, छूछा या फिर रिक्त। उष्मा का विपरीत होता है शीतलता। रिद्धि विपन्न हो जाएगा। एकाग्र चंचल हो जाएगा। एकतंत्र बहुतंत्र। ऐषड़ा अनैषड़ा। ओतप्रोत का विलोम होता है विहीन। औदिच्य का विलोम होता है दक्षिणाय। आगे औषधि अनौषधि। इसी प्रकार दोस्तों अगर और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ और प्रमुख शब्द दिए, जैसे औदार्य, औदार्य का विलोम होता है अनौदार्य। कटु का विलोम हो जाएगा मृदु। कायर, इसका उल्टा होता है साहसी या फिर निडर, इसे वीर भी कह सकते हैं। कलुष, इसका विपरीत होता है निष्कलुष। जागृत सुप्त या सुसुप्त।
जागरूक उदासीन होता है, जाड़ा का विलोम हो जाएगा गर्मी, जुड़ घटाव होता है, झगड़ा का उल्टा होता है शांति, तट मझधार, तनवंगी स्थूलंगी, तप्त सिक्त, त्रिषित तृप्त, तिछड़ का उल्टा होता है कुंद, तुष्ट का हो जाएगा रुष्ट, तटस्थ सापेक्ष, तुलनीय अतुलनीय, थोक का विलोम होता है फुटकर या फिर खुदरा। आगे दिया देह, देह का विलोम है विदेह, दुसाध्य का विलोम है सुसाध्य, दुर्गम का विलोम है सुगम। इसी प्रकार दोस्तों दिया दुर्दांत, इसका उल्टा होता है शांत, दुखी का उल्टा होता है सुखी, दुर्निवार्य निवार्य, देव या देवता का विलोम होता है दानव अनुज असुर या फिर दैत्य, करसड विकर्षण होता है, कड़ा का विलोम होता है मुलायम, क्रमबद्ध क्रमहीन, कर्मठ आलसी, कृपा का कोप या फिर अकृपा लिखते हैं, जनक का विलोम होता है जननी, जकार जनाक्रीड का होता है जानहीन, ज्वार का विपरीत है भाटा, ज्वलन समन, झंकृत निस्तब्ध, तल इसका विपरीत है अतल, तरल का विपरीत है ठोस, तारुण्य वार्धक्य, देखिए तारुण्य का मतलब होता है जो नया है, वार्धक्य का मतलब जो पुराना है, त्रिषा का विपरीत है तृप्ति, त्यक्त का है ग्रहित, तेज का धीमा, तिमिर का ज्योति या फिर आलोक, था का विलोम है अथा, दास का उल्टा है स्वामी, दंड के लिए क्षमा या फिर पुरस्कार लिखा जाता है, दुर्बुद्धि का विपरीत है सुबुद्धि, दुर्भाग्य सौभाग्य, दमित उत्तेजित, दुशील सुशील, दूरवर्ती निकटवर्ती, दूषित का स्वच्छ या फिर शीत है। आगे दिया कुसंग, कुसंग का विपरीत होता है सुसंग, कुसुम का विपरीत होता है वज्र, काम का विपरीत है निष्काम, कृष का पुष्ट स्थूल या फिर प्रवृद्ध होता है, कृत्रिम का प्रकृत स्वाभाविक या नैसर्गिक होता है, जल निर्जल या फिर इसे थल भी कहते हैं, ज्योतिर्मय तपोमय, जंगली का पालतू या फिर घरेलू, झूठ का विपरीत होता है सच, झीना का गाढ़ा, तनय तनया, तनय मतलब पुत्र, तनया मतलब पुत्री, तनुता का विपरीत है पुष्टता, त्रिष्णा वित्रिष्णा या फिर तृप्ति कहते हैं, तृप्त का होता है अतृप्त या फिर त्रिषित, त्याज्य का विपरीत होता है ग्राह्य, तेजस्वी का होता है निस्तेज, तलवार का विपरीत हो जाएगा ढाल, थकावट की स्फूर्ति, दरिद्र का संपन्न या फिर धनी, दयालु का विपरीत होता है क्रूर या फिर निर्दयी, दृश्य का अदृश्य, दृष्ट अदृष्ट, दीर्घ का हस्व सूक्ष्म या फिर लघु, दुराग्रह का विपरीत होता है आग्रह, दैविक का भौतिक, दिवा का रात्रि या फिर निशि, देर का सवेर या फिर जल्दी, धनी की बात करेंगे तो धनी को लिखा जाता है निर्धन या फिर दरिद्र, प्रवेश का विपरीत होता है निकास, फिरना का स्थिर, बहुमत अल्पमत, बड़बोला गुमसुम। इसी प्रकार कृपण, कृपण का यहाँ पे दिया देर है ना, माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर दानी, दानी का विपरीत है कृपण, धारा का गगन, धवल कृष्ण या फिर श्याम, धवल का मतलब होता है श्वेत, फुल म्लान, बहु का अल्प हो जाएगा, बाह्य का आंतरिक। इसी प्रकार यहाँ पे दिया दाता, दाता का मतलब है देने वाला, इसका विलोम होता है सोम, भिखारी भिक्षुक याचक, इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं, द्वंद का होता है शांति, धीरोदात्त मतलब धीरोदत्त। आगे दिया फाटक, फाटक का विलोम होता है हाटक, ये भी कई बार पेपर में बनाए तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, फाटक का विपरीत है हाटक, बोध का दुर्बोध्य, बंजर का विपरीत है उर्वर। तो और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए कुछ और शब्द दिए हैं, है ना, बेचना, बेचना का विपरीत है खरीदना, भिक्षुक दाता, भोक्ता भुक्त, भंजक योजक, भूमिका का हो जाएगा उपसंहार, भावी का भूत होता है, भौतिकता आध्यात्म, मनसा कर्मणा, मंथर क्षिप्र, महंगा का विपरीत है सस्ता, मृदु या फिर मुलायम का होता है कठोर या सख्त, मृत्यु का जीवन, मुदित खिन्न, मुदित का मतलब प्रसन्न, खिन्न का मतलब घृणा, मीठा का होता है नमकीन या फिर फीका, यद्यपि का तदपि या तथापि, यति का विपरीत हो जाएगा गृहस्थ, शक्तिमान शक्तिहीन, शारीरिक मानसिक, शिव का अशिव, बनना इसका विलोम है मिटना बिगड़ना या फिर टूटना, भय का होता है अभय, इसके बाद भूषण कुभूषण, भाग्य दुर्भाग्य, भ्रामक निश्चयात्मक, भिन्न अभिन्न, भूतपूर्व अभूतपूर्व, मर्त्य का विपरीत है अमर्त्य, मनस्थैर्य का मतलब है मन दौर्बल्य, महत्तम का लघुत्तम, महल की झोपड़ी, मरना का जीना, मूल का निर्मूल, मित ब्याई खर्चीला, यादृश तादृश, याद भूल, शक्ति का छीड़ता हो जाएगा शर्मदार बेशर्म, सामित का उत्तेजित होता है, भला का हो जाएगा बुरा, भयाक्रांत भय शून्य, भगवान भगवती, भगवान का विलोम होता है भगवती, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, भाई का बहिन, भूगोल खगोल, भूतकाल भविष्यकाल, मंद का शीघ्र हो जाएगा, महात्मा के लिए दुरात्मा या फिर तुच्छात्मा लिखा जाता है, मनुज का धनुष, मालिक नौकर, मिट का अमिट, माता का विपरीत है पिता, मौन का विपरीत है मुखर, मौन का मतलब शांत, मुखर का मतलब बोलने वाला, मेल का बेमेल, वैमनस या फिर अनबन,
युयुत्सा का मैत्री, युयुत्सा मतलब होता है युद्ध करने की इच्छा, तो इसका विपरीत हो जाएगा मैत्री। यौवन का बुढ़ापा या फिर वार्धक्य, सापित का सापमुख, श्लिष्ट का अश्लिष्ट, सठता का सज्जनता। इसी प्रकार दोस्तों और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ और विलोम शब्द हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, है ना, इसे आप खुद से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। देखिए विलोम शब्दों की लिस्ट बड़ी लंबी है और यहाँ से क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अगर आप आर ओ आर ओ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो 10 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, 10 क्वेश्चन आप यहाँ से बना सकते हैं, है ना। तो ये तो बात हिंदी की रही, अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं पी सी एस या फिर किसी अन्य एग्जाम की, तो आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहां पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।